गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। होप करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी काफ़ी अच्छा हूँ। कल रात में गाइस काफ़ी दर्द था दांत में, बट अभी ओके है, मतलब है दर्द बट ठीक है। एंड मम्मी का भी तबीयत गड़बड़ है, मतलब खराब ही समझ लो अभी है मम्मी का तबीयत। तो लाल लैब से टेस्ट बुकिंग हुआ है एंड अभी मम्मी हलवा बना रही है। कौन सा हलवा बना रही है मम्मी? तो सूजी और बादाम का हलवा बन रहा है अभी। तो टेस्ट वाले भैया भी आ रहे हैं। मम्मी का रात से तबीयत खराब है, थोड़ा घबराहट टाइप, थोड़ा वीकनेस टाइप हो रहा है। तो देखते हैं, टेस्ट करवाते फिर आप लोग से मिलते डायरेक्टली। मम्मी का सुबह ब्लड टेस्ट हुआ एंड अभी मम्मी जाके चाय पी रही है, मेरे लिए भी चाय आ चुका है। मम्मी कैसा लग रहा है ब्लड टेस्ट करवा के? मजा आ रहा है कुछ जूस वा के अपना? चलो बस चाय पीते हैं, फिर मिलते हैं आप लोग से। गाइस मेरे बोलने के टोन में थोड़ा चेंजेस आया होगा, आप लोग को भी फील हो रहा होगा, क्योंकि अभी मैं अच्छे से बोल पा रहा हूँ। क्योंकि सूजन जो था, स्वेलिंग था, वो थोड़ा कम हो चुका है, ज़्यादा तो नहीं। अभी भी दर्द है गाइस, मतलब 20% कम हुआ है कल रात से। बट फिर मैं हिम्मत करके आया कि आज नहीं, ब्लॉग करना है तो भाई अच्छे से करना है। कल काफ़ी दर्द में था इसलिए ब्लॉग तो नहीं हो पाया, तो आज करना है तो करना है बॉस। एंड गाइस कल आया था ये अमेजोन से कारपेट मंगाया था छोटा वाला, तो कल तो दिखा नहीं पाया मैं, तो आज मैं दिखा रहा हूँ आप लोग को। ये देखो, तो इसको रूम में भी छाते हैं, फिर दिखाते हैं आप लोगों को कैसा दिखता है ये। यहाँ पे कुछ कुछ कपड़ा है जिसको धोने के लिए देना है, तो इसको वॉशिंग मशीन के पास डाल दिया जाए। मम्मी वॉशिंग मशीन में डाल दे इसको, बगल में। तो गाइस देखो, हलवा बन के बिल्कुल रेडी है। अभी ठंडा होने के लिए दिया जा रहा है इसको, ठंडा होने के बाद ही खा सकते हैं अभी फिलहाल कुछ दिन तक। हाँ, वहाँ पे रख दो ना आप। सो गाइस रिमोट काफी खोता है। अरे यहाँ पे तो है मम्मी, मिल तो गया। हाँ नहीं, टाटा स्काई भी लगवा लेंगे अभी, क्योंकि यार ना वाईफाई से कितना देर देखे के है ना। मम्मी को वाई सीरियल का बहुत टेंशन होता है, इसलिए बोल रही कि टाटा स्काई लगाने के लिए। ठीक है, लगा लेंगे मम्मी। मैं बहुत लोगों को बहुत तरीके का टेंशन होता है, किसी को पढ़ाई का टेंशन, नौकरी का टेंशन, पैसा कमाने का टेंशन, खाने पीने का टेंशन। मम्मी का टेंशन सुन लो आप लोग, मम्मी का टेंशन ये कि पहले नहाए कि पहले चाय पी के नहाए। क्या करे समझ में नहीं। तो गाइस कमेंट बॉक्स में बताओ मम्मी को क्या करना चाहिए, नहाना चाहिए कि पहले चाय पीना चाहिए? कॉमेडी करती हो मम्मी कभी कभी तुम भी। तो गाइस मम्मी अभी आइसक्रीम निकाल रही थी और मम्मी का मटर गिर गया। फट गया यार मम्मी, इसको कहाँ रखना है? ऊपर टेबल पर, टेबल पर, टेबल पर, टेबल पर। चाय गिर गया। तो गाइस अभी मटर गिरा था एंड अभी चाय गिर गया। वाह कितना गंदा है ये। क्या करे, मसाले कुछ काम कर रहा है मेरा। कोई बात नहीं, चाय पी लो काम करेगा। सुबह सुबह मम्मी का जांच। ग्लूकोज का, ग्लूकोज लगता है बढ़ गया मम्मी का। डरने की बात नहीं मम्मी, आराम से, ज़्यादा दर्द नहीं होगा तुमको, बस थोड़ा सा चुभेगा। इंजेक्शन पड़ रहा है फिर भी हंस रही है। मम्मी को पता नहीं क्या हो गया है, अभी देखो चावल रखी थी, चावल ही फेंक दी। कहाँ गया था? अंदर भाग गया, पता कहीं था, कूटे थे चावल को। यार मम्मी सही है ना सब कुछ? पता नहीं क्या। तुम दो चार कप और चाय पी लो, सही हो जाओगी। सो गाइस अभी एक मिस्ट्री बॉक्स आया है अमेजोन की तरफ से। इतना झूठ क्यों बोल रहा हूँ मैं, मम्मी ने ऑर्डर करवाया था, तो चलिए इसमें देखते हैं क्या है। मुझे भी पता नहीं क्योंकि ऑर्डर किसी और ने किया था, मम्मी ने किसी और से करवाया, तो अभी आया है। चलिए इसका अनबॉक्सिंग करते फिर आप लोगों को दिखाते हैं इसमें है क्या। सो गाइस देखते हैं क्या है इसमें। ये तो कुछ ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। सो गाइस देखो, ये ऐसा एक स्टैंड है, आप लोग जैसा देख रहे हो, तो ये दीवार पे ऐसे लग सकता है, आपको जहां मनो वहां लगा सकते हो। हम लोग अभी सोच रहे हैं कहाँ लगवाए, तो इसमें भगवान जी का फोटो लगेगा एंड नीचे आप लोग कुछ भी रख सकते हो, चाबी वगैरह, कार की, घर का की। तो इसको देखते गाइस कहाँ पे फिक्स करते हैं, जहाँ फिक्स करेंगे पता चल ही जाएगा आप लोग को। एंड ये काफी अच्छा एंड गुड क्वालिटी का है ये। एंड गाइस कुछ कील वगैरह भी दिया है, चलिए इसको यहीं पे रख देते हैं ताकि खोए ना। ये तो रख देना चाहिए भाई, नहीं तो दिक्कत हो सकता है। गाइस देखो क्या मस्त सेटअप बना के रखा है मैंने। ये देखो, ये मैट्रेस बिछा दिया यहाँ पे, आराम से कोई भी आए तो धूप धूप वगैरह ले सकता है, आराम से यहाँ पे सो भी सकता है। आपको मालूम ही है धूप में सोने का मज़ा अलग ही होता है, थोड़ा ठंड रहे तो और मज़ा आता है। तो गाइस ये बेसिकली मम्मी के लिए है, क्योंकि मम्मी को घुटने में धूप ज़रूरी है, तो मम्मी यहाँ पर कभी एक बार लेट जाती है, तो इसलिए यहाँ पर बिछा के रखा है मैंने। फिलहाल तो इसको बंद कर देते हैं, अभी इसका जरूरत नहीं है।
ये भी गेट लगा देते हैं यार, फालतू खुला हुआ ये वाला गेट। तो गाइस जैसा कि आप लोगों को मैंने बोला था, ये मम्मी का ही करामत है एंड मम्मी स्पेशल है, गदेला गद्दा जो भी बोलो आप लोग, मम्मी मस्त खा रही है यहाँ पे। क्या बोल रही मम्मी? आज जैसे कि सूर्य भगवान का बर्थडे है, ओके, इसलिए हलवा बना, इसलिए सूर्य भगवान के नीचे बैठ के तुम हलवा खा रही हो। हाँ, बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, हैप्पी बर्थडे। तो गाइस देखो यहाँ पे मम्मी का सेटअप, मम्मी यहाँ पे लेटेगी, मैं यहाँ पे लेटूंगा और ये देखो अग्निपथ चालू है, तो मम्मी भी देख सकती है यहाँ से, मैं भी देख सकता हूँ। क्या मम्मी कुछ चाहिए? पॉपकॉर्न वगैरह? चलो ठीक है, बंद कर देते हैं पर्दा ही, देखते रहो अग्निपथ। बाय। ओके तो गाइस देखो मैं आज नमक वगैरह कुछ भी नहीं खा रहा हूँ, सिर्फ फल हो गया, खीर हो गया, इस टाइप का, क्योंकि आज माघी सप्तमी है तो उसका फास्टिंग है मेरा। तो अभी चलिए ऑरेंज खाते हैं, अग्निपथ देख रहा हूँ मैं। ये मेरा खाना आ चुका है, मालपुआ है, ये मालपुआ ही है ना, एंड गुड़ का खीर। चले गए खाते हैं। शाम हो चुका है, ये देखो चाय भी आ चुका है, पर इतना कम चाय क्यों मिला हमको? दांत में दर्द की वजह से कम चाय मिला गाइस, एंड पता नहीं देखो मेरा मजबूरी में, देखो क्या देखना पड़ रहा है मुझे, मूवी कौन सी मूवी है, बेजुबान। अरे यार मैं खुद हो जाऊंगा बेजुबान लगता है। बात कर रही। What a view, man. तो भाई लोग निकले थे डीमार्ट से कुछ सामान लेने के लिए, एंड देखो ट्रैफिक कितना, ये भूमकर चौक है गाइस एंड बहुत ट्रैफिक रहता है, तो आप लोग देख ही सकते हो। ये लेना चॉकलेट वगैरह कुछ। व्हाइट सॉस पास्ता बनने वाला है, तो उसका मटेरियल लिया जा रहा है अभी, एंड पास्ता भी लेना बाकी है। पास्ता तो हो गया, और क्या, और भी कुछ? तो गाइस शॉपिंग वगैरह हो चुका है, देख लो कल बनने वाला व्हाइट सॉस पास्ता, तो उसी का पूरा शॉपिंग है, और भी कुछ कुछ है तो घर पे दिखाते हैं आप लोग को। तो गाइस अभी मम्मी आलू छीन रही है। मम्मी क्या बन रहा है रात में? तबीयत ही सही है। तो गाइस मम्मी का तबीयत खराब है, ब्लड टेस्ट भी हो गया, रिपोर्ट भी आ गया, थोड़ी देर के बाद में बताऊंगा रिपोर्ट क्या आया है आपका। तो अभी फिलहाल तो आलू छील रहा है, एंड बनेगा भुजिया चावल घी, चावल घी भुजिया।